लोग जा रहे हैं अभी नलाबेट, तो आप सब एंजॉय कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। सो गाइस, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी ब्रेकफास्ट में पोहा और चाय बन रही है। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है और हमें थोड़ी भूख लगी है। हमने सुबह नाश्ता किया था और इधर पोहा बन रहा है, आप देख सकते हैं ये अंकल बना रहे हैं पोहा। और या आगे देखिए हमारा व्लॉग। गाइज, अब हम लोग अभी नलाबेट पहुंच गए हैं, तो आगे देखिए मेरा ब्लॉग। किलोमीटर है। 5 किलो
यहाँ पर साइकिलिंग करने की एक्टिविटीज भी है। एंट्रीज होने के बाद वन साइड पर नाश्ता और चाय के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रदर्शनी है, चलिए देखते हैं।
ऐसा बैठे थे
माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कुंदन सिंह असिस्टेंट कमांडेंट सीमा सचावा का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, इस तिरंगे को सदा दिल में बताए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। सीमा दर्शन कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथिगण एवं भारतवासियों का मैं सीमा सचावल की तरफ से रड़ के इशनादा भेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे कठिन इलाकों में से एक माने जाने वाले एक प्रतिकूल परिस्थिति वाले क्षेत्र सुईना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर दूर है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय कर लेते हैं मंजिलें आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, उनको नहीं होती कभी परवाह जाने की, कभी परवाह जाने की। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपना ध्यान इस प्रांगण के दाईं ओर मतद्वार पर ले जाएं, जहां पर राजस्थान का जहाज एवं राजपथ की शानवान और बीएसएफ की ड्यूटी में कदम मिलाकर अहम भूमिका निभाने वाले बीएसएफ के अमल आते हुए दिखाई देंगे। बीएसएफ के अमन दत्ता द्वारा गर्दन झुकाकर नमन कर आज के महोदय का अभिवादन किया गया। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे।
बीएसएफ डॉग एक टेला तालियों की गल्ला से बीएसएफ डॉग का हौसला बढ़ाए। बीएसएफ डॉग एक टेला द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर नमन कर आज के मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया। तालियों की गर्दा से बीएसएफ डॉग का हौसला बढ़ा के रहे। डॉग बीएसएफ की ऑपरेशन गतिविधियों का अभिन्न अंग है। बीएसएफ डॉग को प्रशिक्षण के दौरान पैदल गश्त करना, निगरानी करना तथा विस्फोटक का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रैकर डॉग एक टेला द्वारा सीखे गए कुछ ट्रेनिंग इवेंट आपके सामने प्रस्तुत है। तालियों की गर्दा से बीएसएफ डॉग का हौसला बढ़ाते रहे। बीएसएफ डॉग एक्टिना द्वारा एक अदम्य तालमेल के साथ शानदार प्रदर्शन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इस दफे की कमान संभाल रहे हैं सीनियर कांस्टेबल टिंकू सरकार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की धुन में मनमा उत्साह देश भक्ति की भावना लिए अपने गंतव्य स्थल की तरफ मार्च करता हुआ क्रिक क्रोकोडाइल कमांडो तालियों की गणराज्य का उत्साह। तू थक के न बैठ कि उड़ान बाकी है, अब जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है। आप सभी दर्शकों से पुनः निवेदन है कि आप अपना ध्यान इस प्रांगण के मध्य द्वार पर ले जाएं, जहां पर आज के पायलट मार्कर आने को तैयार है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारत माता की कदमों का शानदार वेग, बढ़िया समन्वय, मन में उत्साह,
देश भक्ति की भावना लिए अपने गंतव्य स्थल की तरफ मार्च करते हुए पायलट मार्च। खौफ नहीं है मरने का, मैं इश्क मौत से करता हूँ। खौफ नहीं बाद को दिल में रखता हूँ, हिंदुस्तान को दिल में रखता हूँ। आप सभी दर्शकों से अपना निवेदन है कि आप अपना ध्यान इस प्रांगण के मध्य द्वार पर ले जाएं, जहां पर आज के गार्ड वाईसी और गार्ड आने को तैयार है। का स्वागत करें। इस दल से भी कमान संभाल रहे हैं सीनियर कांस्टेबल अमित कुमार, सीमा सुरक्षा बल। कदम से कदम मिलाकर मन में उत्साह, देश भक्ति की भावना लिए अपने गंतव्य स्थल की तरफ मार्च करते हुए आज के गार्ड वाईसी और गार्ड कमान संभाल रहे हैं हेड कांस्टेबल संजय प्रताप, सीमा सुरक्षा बल। कदमों का शानदार वेग, बढ़िया संबंध में मन में उत्साह, देश भक्ति की भावना लिए अपने गंतव्य स्थल की तरफ मार्च करते हुए आज के गार्ड कमांडर और गार्ड हिमांडी तरंग तरंग से प्रबंध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता प्रकार मृत्य वीर पुत्र हो जल पृथ्वी सोच लो सत्य पुण्य मग्न है बड़े चलो बड़े चलो। इस देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, इस देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने लहू से जिसने जमी को सींचा उन बहादुरों को सलाम है, उन बहादुरों को सलाम है। इस बल का जवान कश्मीर की बर्फीली चोटियों, राजस्थान की गर्मी में, तपते रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों में, उत्तर पूर्वी भारत की विषम परिस्थितियों में, चाहे दिन हो या रात, मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए बल के आदर्शवाद जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करता है, ताकि हमारे देश का हर नागरिक चैन की नींद सो सके। आओ मिलकर सलाम करें, आओ मिलकर सलाम करें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं ऐसे लोग
जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। और वक्त उतना है परेड को आगे बढ़ाने का। आज के पर्याचो सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह सीमा सुरक्षा बल जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अपने सजे हुए कदमों से मार्च करते हुए सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह सीमा सुरक्षा बल तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत है। अभी आज के परेड को आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से राष्ट्रीय ध्वज उतारने की अनुमति के लिए मार्च करते हुए तालियों की गणराज्य का उत्साह बढ़ाते रहे। अभी आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कुंदन सिंह असिस्टेंट कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल के द्वारा आज के परेडों को राष्ट्रीय ध्वज उतारने की अनुमति प्रदान की गई। अभी आज के परेडों द्वारा आज के गार्ड कमांडर को राष्ट्रीय ध्वज उतारने की अनुमति प्रदान की गई। देश सलामी इस तिरंगे को, इसमें तेरी शान है। देश सलामी इस तिरंगे को, इसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है। आप सभी का निवेदन है कि जब राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाए तो कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज को सम्मान प्रदान करें। कृपया दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूं। यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। कृपया दर्शन पूरा निवेदन है कि जब राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज को सम्मान प्रदान करें।
अखंडता की भावना को जीवित रखने का माध्यम है जो हर भारतीय में तुरंत तरह की ताकता है। अब सभी लोग मेरे साथ तीन बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब जो भी दर्शक हमारे सीमा बहन के साथ अपना फोटो पाना चाहते हैं वो पार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।